शिक्षा का मजबूत स्तंभ विद्यापीठ शिमला। हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे, सबको शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ज्ञान है जिसे पाकर हर एक व्यक्ति शिक्षित होता है, समाज में जीने के तौर तरीके सीखता है। ऐसे तमाम उद्देश्य को यहाँ पर साकार कर रहा है विद्यापीठ शिमला। नमस्कार, गुड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती शर्मा। सीधा प्रसारण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीडी चैनल के माध्यम से। तस्वीरों में आप मेरे साथ देख पा रहे हैं विद्यापीठ के निदेशक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इंजीनियर रविंद्र जी मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर रमेश जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का ही हम स्वागत करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कार्य आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो आने वाले देश का भविष्य है, सच में ही बेहद सराहनीय है। और शायद यही वजह रही है कि दिल्ली में जाकर आपको एक एक्सीलेंट एजुकेशन का जो अवार्ड मिला है वो काबिले तारीफ है। तो चलिए सबसे पहले तो यही बात करेंगे आपसे कि जो हमारे अभी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप विद्यापीठ के बारे में बताएं कि सोच को लेकर आप चले थे 2006 का बताया जा रहा है विद्यापीठ, किस सोच को लेकर? क्या था कि 2006 से पहले भी ऐसा नहीं कि हमने टीचिंग 2006 में शुरू की, मैं भी और मेरे पार्टनर जय रविंद्र अवस्थी भी, हम दोनों पहले से लेके, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, वो फिजिक्स पढ़ाते, पर कुछ पेरेंट्स के आग्रह पर हम लोग इकट्ठे हो गए और 20 मार्च 2006 को हमने विद्यापीठ की स्थापना की। और उसके बाद जो है, बस शुरू में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, पर जब बच्चों का रिस्पांस देखा, सिलेक्शंस देखी, तो फिर हम डे बाय डे राइज करते रहे। पर हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता था कि जो हिमाचल के बच्चे दिल्ली और चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोई कोटा जा रहे हैं, उनको वहाँ जाने से रोका जाए, और जो स्टेट का रेवेन्यू है वो स्टेट के अंदर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, और जो बाहर जाके उनको लाखों रुपये फ़ीस देनी पड़ती थी, वो सारा कुछ रहने का वहाँ इतना महंगा था, सब कुछ हमने एक, मतलब शिमला को जो है हिमाचल का एक सेंटर बना दिया कि सारे लोग जो चंडीगढ़ दिल्ली जाते थे, बसें रुकती नहीं थी, यहाँ कुल्लू मनाली से जाओ आप चाहे धर्मशाला, सब चंडीगढ़ भागते थे, अब हमारे पास पूरे हिमाचल के हर कॉर्नर से बच्चा है। तो और दूसरा, अपने स्टेट में रह के, अपने घर में रह के, जहाँ पर आपने खुद एजुकेशन ली हो, तो आप समझते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या बच्चे उतना पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने हर तरह का प्रयास किया कि एक जो मीडियोकर क्लास बच्चा भी है, एक गरीब बच्चा है जिसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, वी आर रेडी टू सपोर्ट। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको हमने फ्री एजुकेशन दी, आज मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आज इंजीनियर्स हैं, लाखों में कमा रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है कि उनकी फैमिली जो गरीब तबके से अब उठ के अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको क्या हो सकती है जी? इंजीनियर रविंद्र अवस्थी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, इतना आप कार्य कर रहे हैं, बीच में ये जो सफ़र रहा है, कोई अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी आपको, कुछ ऐसा सफ़र, कोई ऐसा वास्ता? बिल्कुल हुआ, जब आप थोड़ा राइज करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो चाहने वाले भी होते हैं, घसीटने वाले भी होते हैं, तो हुआ। और कुछ बीच में लोगों ने बोला कि कुछ एस पी या पेपर लीक हुआ है, काम का हमारा नाम तय किया गया 2009 में हुआ ये सब, और जांच एजेंसियों ने पूरे 500 से ऊपर पेज की रिपोर्ट दी, पर उसमें फिर एक दो महीने के बाद हम लोग बिल्कुल साफ भरे हुए, और हिमाचल की जनता का और बच्चों का कॉन्फिडेंस हमारे पर और बढ़ा, क्योंकि ऐसा कुछ था ही। जी रमेश जी, बात करेंगे विद्यापीठ में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, कोई स्पेशल कोर्स है या कुछ स्पेशल योजना है जो विद्यापीठ ने शुरू की? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा बेसिक टारगेट जेईई और मेडिकल एंट्रेंस नीट वगैरह का रहता है, उसमें हम पूरे हिमाचल से बच्चे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। आज जो ये फंक्शन हुआ, इसमें भी 3,63,769 रुपये हमने एज ए कैश बच्चों को स्कॉलरशिप के फॉर्म में रिफंड किया है, क्योंकि उन बच्चों के मार्क्स अच्छे थे। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए, और हमारी ये आज से नहीं, बहुत सालों से हम ये कर रहे हैं। हाँ, पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम रही कोविड की वजह से, अब हम दोबारा लाइन पे आ गए हैं, टाइम टू टाइम इस तरह के फंक्शंस करते रहेंगे। दूसरा ये है कि एक गवर्नमेंट ने निर्भया स्कॉलरशिप से योजना शुरू की थी, तो हम लोगों ने भी एज अ विद्यापीठ पहला निजी संस्थान होगा जिसने इस योजना को अडॉप्ट किया, और हर साल हम 5 लड़कियों को उसके अंदर जो है फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और उसी के साथ कोई बच्चा बीपीएल से है, गरीब तबके का है, बट पढ़ने में ठीक है, सो वी आर ऑलवेज रेडी
कि हम उसको किस तरह से हेल्प करें। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आए उनका सब कुछ ठीक है, अब आज सब ठीक है, हमें खुशी होती है जी। रविंदर जी, स्पेशल बैचेस की अगर हम बात करें और खासकर हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, तो कोई स्पेशल बैचेस है? और हमें ये भी सुना है कि जो प्ले स्टोर है गूगल, वहाँ पर भी विद्यापीठ के जो कोर्स हैं उस पर भी बच्चे जो हैं उसको जा सकते हैं वहाँ पर, तो वो किस तरीके से कैसे? देखिए, कोरोना ने बहुत कुछ बदला, बहुत नुकसान भी किया, पर मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में कोरोना ने बहुत ज़्यादा तरक्की करवा दी सभी को। और ऐप नाम की चीज़ एजुकेशन वालों को तो कभी पता ही नहीं थी कि होगी भी, लेकिन इन द मीन टाइम जब नीड फील होती है, नेसेसिटी होती है, तो आदमी देखता है भी क्या करें, बच्चों के लिए भले के लिए क्या कर सकते हैं। तो कोरोना टाइम में जब सारे टूल सबके फेल हो रहे थे, तो उस टाइम हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च की विद्यापीठ शिमला ऐप के नाम से। अब उसमें बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पर यह कि रजिस्ट्रेशन हमें इंस्टीट्यूट से करवानी पड़ती है। उसके साथ साथ हमने और क्या किया उस कोरोना टाइम में, मैं बोलता बता रहा हूँ कि एजुकेशन कैसे इम्प्रूव हुई। तो इस समय में लोग लगे रहे वो कोई फ़ोन से पढ़ाने, टीचर लोगों को ये समय में नहीं आ रहा था पढ़ाएं कैसे, बच्चों को ये समय में नहीं आ रहा पढ़ाएं कैसे। तो उस टाइम हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी सर्च की कि क्या हो सकती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या एजुकेशन में चल रही है, और उसको फॉलो भी किया। तो हमारी क्लासेस कोरोना टाइम में बहुत बढ़िया चली, और हम लोगों ने करीबन 300 बच्चों को 3 महीने के लिए, मतलब लगातार हम लोग फ्री में एजुकेशन उस टाइम प्रोवाइड करते रहे थे। समय ऐसा था, अजीब समय, लेकिन उसके बाद आज की डेट में विद्यापीठ में अगर आप क्लासरूम में जाएँ तो ऐसा क्लासरूम आपको हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। लेटेस्ट क्लासरूम, मतलब एक क्लासरूम में कोई 5 से 10 लाख रुपया टेक्नोलॉजी में लगा दिया हम लोगों ने, सो दैट बच्चों को जो चौक घिसने वाले बोर्ड से उनसे राहत मिल गई है, उसकी जगह पूरे बोर्ड आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। और कंप्यूटर टीचर के पास जब अवेलेबल होता है, पूरी दुनिया उसके सामने, पूरी दुनिया में अच्छे काम जो लोगों ने किए हैं, कोई एनिमेशन है, कोई सिमुलेशन है, वो हर सब्जेक्ट की सिमुलेशन अवेलेबल है नेट पे, हम उसका फ़ायदा बच्चों को पहुंचा रहे हैं। बस क्रेडिट होने की वजह जिन लोगों ने मेहनत की, हम लोग तो नेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं, और बहुत शानदार एफर्ट किए हैं लोगों ने, वो तो बच्चों तक पहुँचने भी चाहिए थे। तो हमें मतलब वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम हिमाचल के पहले इंस्टीट्यूट हैं टेक्नोलॉजी को एकदम से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हो सकती है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, हम हिमाचल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे सर, हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैचेस कौन कौन से और क्या उस पर कोई छूट भी दी गई है हिमाचल के लिए? हमारे हिमाचल में किन्नौर से, चंबा से, मंडी से, हर जगह से बच्चे आते हैं। आजकल जो है जो बैच बच्चों के लिए है वो नीट के ड्रॉपर बैच शुरू हो रहे हैं, और उसमें हमारी फीस थी काफ़ी ज़्यादा थी, 25% का डिस्काउंट आजकल हमने बच्चों को दिया है, जो कि आज के समय में ज्वाइन करना चाहें 25% का डिस्काउंट हिमाचल के बच्चों को दे रहे हैं। नीट के बैचेस शुरू हो रहे हैं, IIT JEE के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं, प्लस वन प्लस टू तो पहले शुरू हो चुके हैं। तो 25% 25% काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लाखों में फीस है जो वो काफ़ी अच्छा अमाउंट बनता है। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अवेल करें। रमेश जी, एक सवाल हमेशा ही सबके जहन में होता है, और शायद मेरे भी है और जो लोग हमें देख रहे होंगे उनके जहन में होगा, कि आखिर क्यों हम अपने बच्चों को विद्यापीठ शिमला भेजें, और ऐसा विद्यापीठ क्या करवा रहा है, और क्या उनके बच्चे जो वहाँ पर कोई भी कोर्स करने आ रहे हैं आगे भी जा रहे हैं देश विदेश में, या अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रहे हैं, तो आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी आपके पास कोर्स करके जिन्होंने देश विदेश में नाम रोशन किया और अभी भी कोर्स कर? देखो, मेनली जो हमारा बेसिक पर्पस था वो ये था कि मेडिकल में एम्स, AFMC, BHU इस तरह के बहुत रिप्यूटेड एग्ज़ाम्स हैं जिनको क्रैक करना, जिनमें एंट्रेंस इतना आसान नहीं है, स्कूल की पढ़ाई से बच्चा उसको नहीं कर पाता, उसका लेवल बहुत हाई है। JEE है, IIT पहले होता था, तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव का लेवल है वो बहुत हाई है। अगर बच्चा उस तक पहुंचना है तो उस बच्चे को एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ेगी तो आज हर बच्चा जो है कोविड के बाद ज़्यादा अवेयर हो गया, मीडिया पे ज़्यादा फोकस है, तो वहाँ देख ले और कंपेयर करे कि विद्यापीठ कहाँ स्टैंड करता है। हमारे पास जैसा सर ने कहा सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, हम बच्चे को ये नहीं फील होने दे रहे हैं, कोई बच्चा अगर बाई चांस बीमार है, वो घर में बैठा है, उसके सेम चीज़ हाइब्रिड क्लास है, सेम चीज़ उसके घर पहुँच रही है, उसके सामने लेक्चर दिख रहा है कि ये लेक्चर इस टाइम विद्यापीठ में चला हुआ है। अगर वो नहीं बाई चांस उसको भी नहीं कर पा रहा है, वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो हम उसको भेज देते हैं।
सपोज वो भी नहीं कर पाता, हम हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं फ्री हैं पूरे हिमाचल में क्या पूरे इंडिया के लिए फ्री हैं, कि आप बच्चा सपोज करो कि वो कुछ भी नहीं फी नहीं पे कर सकता, आप वहाँ जाएँ पूरे का पूरा लेक्चर वहाँ देखें, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक रही ये बात कि कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं कितने काउंट करूँ, क्योंकि हम लोग 2006 से शुरू किया था, हज़ारों में बच्चे ऐसे हैं जो आज देश विदेश में हम कहीं भी मैं वैसे ही कभी मैं या सर कहीं IGMC चले गए तो बस कदम रखते देरी है, सारे बच्चे एकदम बोलो सर कैसे आना हुआ क्या हुआ। इंजीनियरिंग में देखो तो हर जगह हमारे बच्चे हैं, तो लाखों का पैकेज अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले सारे अखबारों की सुर्खियां बनी, वो मुस्कान उस गुड़िया को अभी फ्रेशर है, अभी तो कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में है, 48 लाख का पैकेज मिलना, मतलब एक आदमी पूरी ज़िंदगी सोचता रहता है कि मैं इतने लाखों रुपये कब कमाऊँगा, और उसकी तो बिगनिंग है, 48 लाख ह्यूज अमाउंट। तो ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे IRAS में हैं, वहाँ पे हैं IAS के लिए जिन्होंने तैयारियाँ की, UPSC में, कुछ बहुत से ऐसे जिनकी अपनी कंपनियाँ हैं एंड दे आर अर्निंग इन करोड्स। तो हमारा यही है कि बच्चे आगे बढ़ें, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है जी। रविंद्र जी, अभी YouTube चैनल का नाम लिया और हमने भी आपको YouTube में देखा है, तो बिल्कुल हम चाहेंगे जो दर्शक हमें देख रहे हैं आप भी अपने YouTube चैनल का फायदा उठाएं इस चीज़ का, क्योंकि 30 साल से पढ़ा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस तो होते भी पढ़ा रहा हूँ तो वो सारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा घर में बैठ के उठाइए। मैं जैसे सारे लेक्चर जो क्लासरूम में हो रहे हैं अभी, अलग से भी हम जो जैसे लाइव भी दिया करेंगे लेक्चर, लेकिन जो क्लासरूम के हमारे लेक्चर हैं वो सब यूट्यूब पर डाल दिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा, फिज़िक्स का है, फिज़िक्स का नुक्कड़। मजे से उसका फ़ायदा उठाएं, घर बैठ के देखें, सारे के सारे लेक्चर साथ साथ में जैसे क्लास में हो रहे हैं वो अपलोड हो रहे हैं। केमिस्ट्री का जो यूट्यूब चैनल है सर का, वो अभी कल तक लाइव हो जाएगा, वो है पार्वती एडू केमिस्ट्री के नाम से कल तक वो लाइव हो जाएगा। फिज़िक्स में बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं फिज़िक्स का नुक्कड़ नाम से, मजे से उसका फायदा उठाइए, वो फ्री है सबके लिए, सारे हिमाचल के सारे इंडिया जी। अंतिम सवाल करेंगे अब चलते रमेश जी आपसे, कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे, क्या कुछ उनसे आग्रह क्या करना चाहेंगे? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि हम आपकी बात से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रभावित हुए हैं, हम आपका भाषण सुन रहे थे उसमें आपने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके इसके लिए विद्यापीठ काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं अभी हमारे देश में जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो पैसों की कमी है या आर्थिक तंगी है पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सलूशन है? देखो ऐसा ही जो साइंस की फील्ड है, जहाँ तक अब एक JEE के नाम से एग्ज़ाम होता है और एक नीट का एग्ज़ाम होता है, और नीट जो है दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जिसमें 18 लाख बच्चे मतलब फॉर्म भरा था, जिसमें से 16 लाख से ज़्यादा बच्चे तो अपीयर भी हुए हैं, और उसी तरह से JEE के एग्ज़ाम के में जो है 10 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं। अब इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बैठते हैं, तो सपोज करो जैसा भी सर ने भी कहा, जो हमने यूट्यूब चैनल्स खोले हैं उनका बेसिक पर्पज़ ही है, बच्चा बहुत गरीब है, वो स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा है, स्कूल वाले उसकी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, हम वी आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प देम। और वो जो यूट्यूब चैनल है उसको कोई पैसे नहीं है, बच्चा आराम से अपने घर में वो देख के वहाँ से जो भी कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वो अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ना ही सफिशेंट नहीं है। और जहाँ तक बात है कि साइंस में आगे बढ़ने के लिए अगर अच्छा एग्ज़ाम में कहीं अपीयर होना है तो कोचिंग मस्ट है, कोचिंग के बगैर नहीं हो सकता, बहुत रेयरली कोई बच्चा ऐसा होता होगा कि जिस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो कोचिंग बिना कोचिंग लिए अपने बलबूते पे ऐसा कर पाता होगा, मैंने 1% मैं कह रहा हूँ कि 1% बच्चा कोई ऐसा होता होगा। बाकी जहाँ तक हिमाचल के, हम लोग खुद यहाँ से हैं, यहाँ हमने कहा भी, मंच से भी कहा, और वैसे भी हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फ्री मुफ्त एजुकेशन हमारे वहाँ से ले चुके हैं, आज बढ़िया फ्लरिश कर रहे हैं, हम इसमें खुश हैं और चाहते हैं कि जो बच्चा कोई इस तरह का है आपकी नॉलेज में भी, या जो लोग देख रहे हैं उनकी नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है, गरीब बच्चा है, पढ़ने में ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर, फॉर्म भरने के पैसे भी हम ही देंगे, बस बच्चे को पढ़ना है, बाकी हम आपके माध्यम से उन बच्चों को जिनको आज रिवॉर्ड किया गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, और जिनको नहीं भी मिला है उनको भी हताशा में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई फर्स्ट आए, पर दौड़ में ज़रूर बना रहे, कंपटीशन में रहे, फर्स्ट आना सेकंड आना
ये, और दूसरी बात जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो सारी पढ़ाई है ये कोई फर्स्ट आ रहा है, जो रिवॉर्ड दिए गए हैं वो उनकी एकेडमिक परसेंटेज के लिए दिए गए हैं, आगे जाके वो बच्चे क्या करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन बच्चों को आगे जाके अपने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मेहनत करनी होगी तभी आगे बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी आपका और रविंद्र अवस्थी जी आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। दर्शकों, ये हमारे साथ विद्यापीठ के दो निदेशक मौजूद थे जिनकी हमारे साथ मुलाकात एक कार्यक्रम शिमला के मेधावी के दौरान हुई और इन्होंने विद्यापीठ के बारे में बताया और यहाँ पर कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है पढ़ाई में, अच्छे अंक लेकर वो पास हुए हैं, फर्स्ट आए, अपना नाम, प्रदेश का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। लेकिन एक बात इन्होंने जो कही है वो बेहद ही ज़्यादा अच्छी भी है, खास भी है और आप सबको भी अपनानी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट आना है, ज़रूरी ये है कि हमें दौड़ में शामिल रहना है, कभी ना कभी तो हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपको आत्मविश्वास, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।